हे एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इस तरह का ये ब्लू एकदम डार्क ब्लू शिमरी वाला आई शेडो एकदम बोल्ड आई लुक कह सकते हैं वो वाला लुक करेंगे। तो आई होप आपको लिए वीडियो हेल्पफुल हो और चलिए स्टार्ट करें कि मैं किस तरह से ये वाला वीडियो मैंने ये वाला लुक किया है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन केयर करूँगी, ये है एलोवेरा की एलो और शिया बटर वाली नाइट क्रीम गुड वाइब्स की। और सबसे पहले मैं या तो सीरम लगाती हूँ या कोई भी क्रीम लगाती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा फेस पे जो हम ये मेकअप के प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो हमारे स्किन के एकदम स्किन को बिल्कुल मतलब पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे प्राइमर इज़ मस्ट। अगर आपके पास कोई प्राइमर नहीं हो, आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हो तो वो आपका बेस एकदम स्मूथ नहीं होगा और वो केकी होगा और जो हमारा जो बेस है ना वो सही नहीं होगा तो पूरा मेकअप ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने प्राइमर लगा लिया, ये मेरे पास कलर बार का प्राइमर था। उसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन लगाऊंगी। इसमें जो मेरा शेड है वो है गोल्डन बेज और मैं थोड़ा सा इसको ले लूँगी। उसके बाद मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लूँगी और ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ शेड है। डॉट डॉट करके लगाने से क्या होता है कि वो पूरा फाउंडेशन एक जैसा लग जाता है। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से ये जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड होता है मेरे को लगता है ब्रश के मुकाबले। उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगी, ये पर्पल का कॉम्पैक्ट, इससे मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी जिससे क्या होता है कि जो स्वेटिंग वगैरह उसकी प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा पाउडर बेस एकदम सेट हो जाता है। तो बस सेट कर लिया, इसके बाद मैं एक ब्रश से इसको आईब्रोज़ को कॉम्प कर लूँगी, जो एक्सेस पाउडर फंस जाता है ना आईब्रोज़ में वो वाला हट जाता है। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की मेरे पास आईब्रो की पैलेट है उससे मैं अपने ब्रोज़ को फिल कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्के हल्के ही करूँगी क्योंकि वैसे भी मेरे आईब्रोज डार्क ही है। जिनकी लाइट आईब्रो होती है ना उनको ज़्यादा थोड़ा सा फिलअप करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद मैं ये जो वाइट सबसे वाइट वाला जो बेस है उसको अपने पूरे आईलिड पे लगाऊंगी। सबसे पहले हमें लाइट कलर से ही शुरू करना चाहिए, बेज कलर का जो है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर लूँगी, स्काई ब्लू कलर, और इसको अपने क्रीज पे लगा लूँगी, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हम यहाँ पे कट क्रीज वाला लुक कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइट वाला शेड हमें अपने क्रीज पे ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है, हल्के हल्के हाथ से पूरे दोनों आईज पे ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं ये जो डार्क ब्लू शिमरी वाला शेड है, ये मैट नहीं है, ये शिमरी वाला शेड, इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड पे लगा लूँगी। उसके बाद हम इसको ब्रश से सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम आप फिंगर से कोई भी इस तरह से जो लेना है आई शेडो तो वो आप फिंगर से लिया कीजिए ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए, ब्रश से इतना डार्क नहीं हो पाता, फिर उसको जो ब्लेंड करना हो ना तो आप ब्रश से सही से हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा ब्रश लेके इनको बीच में से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। सॉरी, आज कट क्रीज वाला नहीं करे, आज मैं वैसे ही कर रही हूँ आई लुक। तो बस इन दोनों को ब्लेंड, उसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार की लाइनर ले लूँगी और मैं थोड़ा सा ना आजकल बहुत ज़्यादा ये बोल्ड लुक चल रहा है इस तरह से का विंग लाइनर, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा मोटा और ऐसे विंग बनाते हैं, तो ये वाला मैं आज ट्राई कर रही हूँ। तो ये वाला मैंने कर लिया। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट से जो नीचे जो पाउडर गिर जाता है उसको सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर लूँगी, कलर बार का, सॉरी मेबलिन का मस्कारा है। तो बस इसको अप्लाई कर लिया, उसके बाद एक काजल लगा लूँगी, आउटर वी की तरफ लगा लूँगी, तो ये ब्लू काजल ही है। उसके बाद हम आज करेंगे ये कॉन्टोरिंग जिससे हमारा फेस थोड़ा सा पतला सिजल सा लगे। तो इस तरह से मैं आई शेडो पैलेट में ही जो ब्राउन कलर होता है उससे ही मैं इस तरह से कॉन्टोरिंग कर लूँगी, एक शेडो बन जाती है इस तरह से, और बस उसके बाद लगा लेंगे ब्लश। तो ब्लश इज़ मस्ट और ब्लश बहुत ही हल्का लगाया कीजिए, ज़्यादा ब्लश आप फिर वो अच्छा नहीं लगता, और इस तरह से ब्लेंडेबल लगाया कीजिए और बस इससे आपका जो ब्लश है वो भी अच्छा लगता है और ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता। उसके बाद हम हाईलाइट कर लेंगे अपने फेस को इस तरह से, चिक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, क्यूपिड बो और ब्रो बोन पे भी एक छोटा सा ब्रश लेके ब्रो बोन पे भी इसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद आज मैं ये लाइक मी की मॉव मैटर
इसका शेड है, ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करूँ क्योंकि मेरा जो आई लुक है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो मैं अपने लिप्स को बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ही न्यूड सा रख रही हूँ। तो ये बहुत सी न्यूड सी लिपस्टिक है, बहुत ही मॉव कलर की मॉव, और बस ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।